हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th हिस्ट्री के बुक का चैप्टर 2, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। ये अब इसका जो है पार्ट 4 है, और हम लोग काफ़ी कुछ इसमें देख चुके हैं। ये वाला काफ़ी सारा पार्ट हम कवर कर चुके हैं। वॉट चेंज आफ्टर अक्टूबर, ये वाला पार्ट हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे द सिविल वॉर। सिविल वॉर का क्या मतलब होता है? तो देखिए, जैसे कि एक देश है, सपोज करिए पाकिस्तान को लेते हैं, पाकिस्तान के लोग ही अगर आपस में लड़ना शुरू कर दें तो वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगी सिविल वॉर। मतलब अगर किसी भी देश में उस देश के ही लोग लड़ना शुरू कर दें आपस में, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वहाँ पर सिविल वॉर स्टार्ट हो रखी है। तो जब बोल्शेविक्स, व्हेन द बोल्शेविक ऑर्डर्ड लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, द रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेक अप। तो देखिए, जो बोल्शेविक्स थे, बोल्शेविक्स ने कह दिया कि लैंड जो है वो बटेगा। मतलब बहुत ज़्यादा किसी के पास अगर लैंड है तो उसका बंटवारा होगा और सबको पूरा बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। तो काफ़ी सारे जो रशियन आर्मी के सोल्जर्स थे ना, वो ब्रेक, मतलब उनको लगा कि पता नहीं सही है नहीं है, तो सबके ओपिनियंस अलग अलग होने बैठने लगे थे। सोल्जर्स मोस्टली पीजेंट विश टू गो होम फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड डेजर्टेड। तो काफ़ी सारे जो सोल्जर्स थे वो कौन थे? वो पीजेंट्स ही तो थे, वो किसान थे। तो उन्होंने क्या किया, आर्मी को छोड़ना शुरू कर दिया और वो गाँव में जाने लगे कि भाई अब तो हमें ज़मीनें मिल जाएंगी। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कंडेम्ड द बोल्शेविक अपराइजिंग्स। तो बोल्शेविक जो लोग नहीं थे, तो उन लोगों ने क्या किया, बोल्शेविक्स को कंडेम करना शुरू कर दिया कि भाई ये तो लैंड्स का बंटवारा कर रहे हैं, ये लोग तो लैंडलॉर्ड से ज़मीनों को छीन लेंगे। तो इस तरीके की बातें वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा निकल करके आने लगी थी कि भाई ये सब क्या चल रहा है, और काफ़ी अपराइजिंग्स होने लगी थी, आंदोलन निकल के आने लगे थे। देयर लीडर मूव टू साउथ रशिया एंड ऑर्गेनाइज ट्रूप टू फाइट द बोल्शेविक्स द रेड। तो रेड बोल्शेविक्स जो है ना, वो रेड कलर की शर्ट्स पहना करते थे। तो जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का की बात की गई थी बोल्शेविक्स के द्वारा, बोल्शेविक कौन सी थी जिसने गवर्नमेंट वाली जो पार्टी थी उसको हरा दिया था गवर्नमेंट को, और खुद अब सत्ता पे आ गए थे। तो बोल्शेविक्स के जो काम थे, जो मेनली ये जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन वो करने वाली बात थी, कुछ लोगों को पसंद आई, कुछ लोगों को नहीं आई। और काफ़ी सारे आर्मी के जो लोग थे वो फार्मर्स थे, उन्हें जब पता लगा कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है तो वो आर्मी छोड़ के अपने गाँव की तरफ जाने लगे। और काफ़ी सारे जो लीडर्स थे वो रशिया के साउथ वाले रीजन में चले गए और बोल्शेविक्स के खिलाफ जो है अपनी आर्मी इकट्ठा करने लगे। ड्यूरिंग 1918 और 1919 द ग्रीन सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज द वाइट्स प्रोजारिस्ट कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। तो क्या था, रेड्स कौन थे? रेड्स बोल्शेविक्स हुआ करते थे। ग्रीन क्या होते थे? सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज, ये रिवॉल्यूशन करने की बातें करा करते थे सोशलिज्म के टर्म्स में। वैसे तो ये लोग भी सोशलिज्म के टर्म पे थे, बट ये उनसे थोड़े अलग थे। वाइट्स, वाइट कलर के, वाइट्स इसको कहा जाने लगा। प्रोजारिस्ट, जारिस्ट मतलब जो कहता था कि भाई राजा की चीज़ें, राजा फिर से आ जाना चाहिए। तो ज़्यादातर जो रशिया का पार्ट था वह कौन कवर कर रहे थे? ग्रीन्स और वाइट्स ने कवर कर लिया था। तो दे वर बैक्ड बाय फ्रांस, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स, ऑल दोज फोर्स्ड हु वर वरीड एट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया। तो ये जो वाइट्स थे और ग्रीन्स थे, इनको कौन सपोर्ट कर रहा था? इन्हें विदेशी ताकतें सपोर्ट कर रही थी, जैसे कि फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान। ये लोग जो हैं वो जो बोल्शेविक्स के खिलाफ लोग थे ना, उनको सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि पूरी दुनिया को लग रहा था कि सोशलिज्म जो है वो खतरा बन सकता है बाकी फ्रांस और ब्रिटेन और अमेरिका जैसे लोग, जैसे देशों के लिए। आप लोग को समझ में आ रहा है ना? देखिए क्या है यहाँ पर, एक तरफ है बोल्शेविक्स, बोल्शेविक्स जो कि रेड कलर के कपड़े पहनते हैं, और दूसरी तरफ हैं सोशलिस्ट और प्रोजारिस्ट, राजा को पसंद करने वाले, ये वाइट और ग्रीन है। तो वाइट और ग्रीन, सोशलिस्ट और प्रोजारिस्ट, इनको सपोर्ट कर रहा था फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान वगैरह, क्योंकि इनको लगता था कि जो बोल्शेविक्स है ना, जो कम्युनिस्ट टाइप की गवर्नमेंट बनने वाली है, ये दुनिया के लिए और हमारे लिए, फ्रांस, जापान वगैरह के लिए खतरा बन सकती है। तो ये लोग बोल्शेविक्स को सपोर्ट ना करके सोशलिस्ट और ज़ारिस्ट जो रजीम थी ना, उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो इसमें देवर बैग, ठीक है, ऑल दीज फोर्सेस हु वर वरीड एट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया। तो जापनीज, अमेरिकन वगैरह, इन लोगों को डर लग रहा था कि सोशलिज्म रशिया में बढ़ जाएगा तो डेमोक्रेसी के खिलाफ होगा पूरी दुनिया की। एज दीज ट्रूप्स एंड द बोल्शेविक्स फॉट अ सिविल वॉर, लूटिंग, बैंडिटरी एंड द फेमीन बिकम अ कॉमन। तो क्या हुआ
कि ये सारे के सारे ट्रूप्स जो थे वाइट्स एंड ग्रीन्स ये बोल्शेविक्स के खिलाफ लड़ रहे थे, तो पूरे देश में हाहाकार सी जैसे मच गई हो, भुखमरी हो रही थी, हर जगह दंगे फसाद फैले हुए थे। सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी वाइट्स, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते थे कि सारी प्रॉपर्टी सरकार की नहीं होनी चाहिए, लोगों की भी होनी चाहिए, वाइट्स टुक हार्श स्टेप विद पीजेंट्स हु हैड सीज लैंड। तो काफ़ी बुरा उनके साथ किया गया। देखिए क्या हुआ कि जिनका लैंड ले लिया था ना पीजेंट्स ने लैंड ले लिया क्योंकि बोल्शेविक्स ने कहा था, तो इन पीजेंट्स के साथ अब बहुत बुरा किया गया इन जो वाइट्स थे ना इनके द्वारा, जो कि चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करने वाले कौन लोग थे, वाइट्स थे, जो कि सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज थे। सच आइडियाज लेड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर द नॉन बोल्शेविक्स। तो नॉन बोल्शेविक्स ने क्या किया, देखिए बोल्शेविक्स कौन थे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से समझिए। बोल्शेविक्स कौन थे, बोल्शेविक्स वो लोग थे जो कहते थे कि प्रॉपर्टी जो है ना वो सब में बट जानी चाहिए इक्वली, सारी की सारी प्रॉपर्टी सरकार की होगी और सरकार प्रॉपर्टी को हिसाब से लोगों की ज़रूरत के हिसाब से बांटेंगे, ये था बोल्शेविक्स का कहना। नॉन बोल्शेविक्स कौन थे, वही जो वाइट से और ग्रीन से, प्रोज आरिस्ट और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज थे, नॉन बोल्शेविक्स आप उन्हें कहेंगे। तो नॉन बोल्शेविक्स ने क्या किया, जो गांव वगैरह के इलाकों में जो ज़मीनें ले ली थी ना पीजेंट्स ने, उनसे इन्होंने बहुत ही ख़राब तरीके से वापस लेने की कोशिश करी। तो नॉन बोल्शेविक्स के खिलाफ अब काफ़ी ज़्यादा धारणाएं बननी लगी थी। बाय जनवरी 1920 बोल्शेविक्स कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। जनवरी 1920 आते आते बोल्शेविक्स ने ज़्यादातर पार्ट जो था रशियन एम्पायर का फिर से कब्जे में ले लिया। दे सक्सीडेड ड्यू टू द कॉपरेशन विद द नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड द मुस्लिम जैदिस्ट। तो वो नॉन रशियन नेशनलिस्ट जो रशिया के लोग नहीं थे उनके, और मुस्लिम जैदिस्ट जो जैदिस्ट के बारे में जो मुस्लिम जिहाद चाहते थे कि भाई जो फॉरनर्स हैं उनको सपोर्ट, मतलब अपनी अलग रजीम चाहते थे, उन्होंने भी इनको सपोर्ट किया बोल्शेविक्स को। तो कॉपरेशन डिड नॉट वर्क वेयर रशियन कॉलोनीज देमसेल्फ टर्न्ड बोल्शेविक। तो कॉपरेशन नहीं हुआ जहाँ पर रशियन कॉलोनी खुद ही जो है वो टर्न्ड बोल्शेविक, जो खुद ही एक तरह से बोल्शेविक बन गए थे, वहाँ पर कॉपरेशन नहीं आया। इन कीवा इन सेंट्रल एशिया बोल्शेविक कॉलोनीज ब्रूटली मैसेकर्ड लोकल नेशनलिस्ट इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म। इन दिस सिचुएशन मैनी वर कन्फ्यूज अबाउट द बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड। तो कई बार कई जगह पर, क्योंकि रशिया ना बहुत बड़ा है, रशिया के कई सारे इलाकों में ना बोल्शेविक्स को सपोर्ट नहीं आया क्योंकि वहाँ पर बोल्शेविक जो लोग खुद को बोल्शेविक कहते थे कि हम बोल्शेविक हैं, बट वो बोल्शेविक जैसे काम कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, वो लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे। रशिया के ज़्यादातर पार्ट में जो बोल्शेविक्स हैं वो लोगों की हेल्प कर रहे थे, बट काफ़ी सारे अलग अलग इलाकों में लोग खुद को कहते थे कि हम बोल्शेविक हैं, बट वो बोल्शेविक्स जैसा काम नहीं कर रहे थे, वो लोगों पे अत्याचार कर रहे थे, बहुत लोगों को मार रहे थे। तो ऐसी जगह पर बोल्शेविक्स को सपोर्ट नहीं मिला, तो काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो गए थे कि भाई बोल्शेविक सही हैं गलत हैं, चल क्या रहा है ये। पार्टली टू रेमिडी दिस मोस्ट नॉन रशियन नेशनलिस्ट वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन सोशलिस्ट इन सोवियत रशियन। तो देखिए क्या हुआ, रशिया बहुत बड़ा, आज भी रशिया बहुत बड़ा है, पहले रशिया जो यूएसएसआर था ना, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो था यूएसएसआर, उसमें रशिया के अलावा भी बहुत सारे देश आते थे, जैसे कि आप कह लीजिए यूक्रेन आता था, पोलैंड का भी काफ़ी सारा हिस्सा आता था, ईस्ट जर्मनी वाला रीजन भी पहले वहाँ पर ही आया करता था, और तजाकिस्तान उज़्बेकिस्तान, मतलब बहुत सारा पार्ट आता था, आप ये समझ लीजिए। तो ये जो देश थे इन्होंने भी रशिया को बनाने में, सोवियत रशिया सोवियत यूनियन बनाने में सपोर्ट किया था, बट 1991 आते आते सब खत्म हो गए थे खैर, हाँ तो बट 1920s के बाद जो है काफ़ी सारे देश सोवियत यूनियन का पार्ट बन चुके थे। बट सिंस दिस वॉज कम्बाइंड विद अनपॉपुलर पॉलिसीज दैट द बोल्शेविक्स फोर्स द लोकल गवर्नमेंट टू फॉलो, लाइक द हार्श डिसकरेजमेंट ऑफ नोमैडिज्म, अटेम्प्ट टू विन ओवर डिफरेंट नेशनलिस्ट वर ओनली पार्टली सक्सेसफुल। तो इसमें यही बताया गया है कि कई बार बोल्शेविक्स की जो पॉलिसीज़ होती थी ना वो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हुआ करती थी, जो नोमैडिक लोग होते थे। देखिए नोमैडिज्म का मतलब होता है घुमंतू लोग, एक ऐसा लाइफस्टाइल जहाँ पर लोग जगह जगह घूमते रहते हैं अपनी, और घूम घूम के अपना जीवन यापन करते हैं, तो इस तरीके के जैसे बंजारे भी जिन्हें कहते हैं, तो इस तरीके का जीवन यापन करने वाले लोगों को ज़बरदस्ती एक जगह रखने की कोशिश की गई बोल्शेविक्स ने, तो इसलिए बोल्शेविक्स का जो सपोर्ट था वो काफ़ी कम भी होने लगा था। तो यहाँ पर अलग अलग बताया गया है चीज़ों के बारे में कि सेंट्रल एशिया ऑफ द अक्टूबर रिवॉल्यूशन टू व्यूज़, एम एन रॉय जो कि इंडियन रिवॉल्यूशनरीज थे, वो मार्क्स अ फाउंडर ऑफ मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी एंड द प्रोमिनेंट कॉमेंटर। तो इसमें देखिए क्या है, ये एम एन रॉय जो थे ना ये कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट जैसे कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी रखने वाले
एक पर्सन थे। तो कम्युनिज्म सोशलिज्म इससे पहले के वीडियोस में मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। देखिए सोशलिज्म ऐसी आइडियोलॉजी है जो ये कहती है कि प्रॉपर्टी और देश के रिसोर्सेज किसी एक पर्सन के पास नहीं होने चाहिए या फिर सिर्फ अमीर लोगों के पास नहीं होने चाहिए, इसका बंटवारा होना चाहिए, गरीबों को भी ये दिया जाना चाहिए। बट ये आइडियोलॉजी आज तक दुनिया में अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हो पाई है क्योंकि जो सत्ता में पहुंच जाते हैं वो खुद ही चाहने लगते हैं कि हमारे पास ये सब कुछ आ जाए। तो इस तरीके की चीज़ें फॉलो होती थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 के बाद। लगभग 20-30 साल तक ये आइडियोलॉजी सोशलिज्म की बहुत पॉपुलर रही थी हमारे देश में भी। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है। अब आता है द मेकिंग ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। तो सोशलिस्ट सोसाइटी किस तरीके की थी, क्या था उसमें, वो देखते हैं। ड्यूरिंग द सिविल वॉर, सिविल वॉर के टाइम पर द बोल्शेविक्स केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज। तो हम लोगों ने इससे पहले की वीडियो में भी देखा था कि बोल्शेविक्स ने क्या किया था कि सारे के सारे जो इंडस्ट्रीज हैं, बैंक्स हैं, उनको नेशनलाइज कर दिया। मतलब सब कुछ अब सरकार का है, प्राइवेट लोगों का कुछ भी नहीं है। प्राइवेट लोग कौन होते हैं, हम जैसे लोग। जैसे कि आपने एक फैक्ट्री स्टार्ट करी, वो इतनी सक्सेसफुल हुई कि वो 1,000 करोड़ की बन गई। अब सरकार आपसे कहेगी ये तुम्हारी नहीं है, ये हमारी है। ये होता है सोशलिज्म में। तो इस तरीके की चीज़ें होती थी। बट गरीब लोग खुश हो जाएंगे कि हम लोग को बंटवारा अच्छे से हो जाएगा, हम लोग को अच्छी सैलरीज मिलेंगी, पर जिसकी गई उसकी तो उसको तो दुख होगा ना, तो वो तो सरकार के खिलाफ हो जाएगा। इसी तरीके की चीज़ें सोशलिस्ट कंट्रीज़ में हुई थी। दे परमिटेड पीजेंट टू कल्टिवेट द लैंड दैट हैड बीन सोशलाइज। तो एक लैंड था बहुत बड़ा, उसको कई सारे सब सरकार का हो गया और ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग किसानों को ये लैंड बांट दिया गया। बोल्शेविक्स यूज्ड कन्फिस्केटेड लैंड टू डेमोन्स्ट्रेट वॉट कलेक्टिव वर्क कुड बी। तो जो बोल्शेविक्स थे, उस बोल्शेविक्स कौन थे आप यहाँ अब तक समझ लीजिए कि बोल्शेविक्स अब सरकार में आ चुके हैं। वो खूब कन्फिस्केट का मतलब होता है कि जो छीन लेना किसी से। जो बहुत ही बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स होते थे उनके पास बहुत सारी ज़मीनें होती थी, उनसे छीन करके लोगों में बांट दी जाती थी। और बोल्शेविक्स ये दिखाते थे कि जो लैंड है अगर सब लोग उस पर काम करेंगे तो कितना अच्छे से काम किया जा सकता है, ये दिखाते थे बोल्शेविक्स। अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का मतलब होता है कि सेंटर में से सारी की सारी प्लानिंग होगी और हर तरफ उस प्लानिंग को फैला दिया जाएगा। ऑफिशियल्स असेस्ड हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क एंड सेट टारगेट्स फॉर 5 पीरियड। तो 5 साल के लिए पहले यहाँ पर सेंटर में पूरी प्लानिंग होगी, अच्छा ऐसा ऐसा करना है, और 5 साल तक वो प्लान के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। ये थी सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी और इसको प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलाया जाता था। ऑन दिस बेसिस दे मेड 5-year plans। इंडिया में भी काफ़ी साल तक यही चला है और रिसेंटली ही मतलब प्लान्स आज भी 5 साल से 3 साल के ग्रुप में बांटे गए हैं। गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल prices टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो गवर्नमेंट ने prices को फिक्स कर दिया कि इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते हैं ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो पाए। ड्यूरिंग द फर्स्ट टू plans, जो स्टार्टिंग के 2 plan थे 1927 से 32, 33 से 38, तो सेंट्रलाइज प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। सेंट्रलाइज प्लानिंग से इकोनॉमिक ग्रोथ आई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया बाय 100% इन द केस ऑफ ऑयल, कोल एंड स्टील। तो मतलब 1929 से 1933 के टाइम पर लगभग 100% जो है ग्रोथ देखी गई। न्यू फैक्ट्री सिटीज केम इन टू बींग, और काफ़ी सारी सिटीज़ में क्या हुई, फैक्ट्रीज लगने लगी। हाउ एवर रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशन। अब बहुत ज़्यादा काम होने लगा तो वर्किंग कंडीशंस पुअर होने लगी, मतलब लोगों को वही, जिसकी वजह से आंदोलन हुआ था कि वर्कर्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, वही कंडीशंस फिर से आने लगी। इन द सिटी ऑफ मैग्नीटोगोर्क द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टील प्लांट वॉज अचीव्ड इन 3 years। तो लगभग देखिए जो ये मैग्नीटोगोर्क है, यहाँ पर 3 साल में ही स्टील के प्लांट को बना दिया गया। वर्कर्स लिव्ड हार्ड लाइव एंड रिजल्ट वॉज 550 स्टॉपेजेस ऑफ वर्क्स इन द फर्स्ट ईयर अलोन। तो वर्कर्स जो हैं वो बहुत ही बुरी कंडीशंस में काम कर रहे थे, तो कई बार काम को स्टॉप भी किया गया लगभग इतने बार। इन द लिविंग क्वार्टर्स, जहाँ पर वर्कर्स रहते थे, इन द विंटर टाइम एट 40 degrees below, मतलब -40 degrees का टेम्परेचर में, पीपल हैड टू क्लाइम डाउन फ्रॉम द 4th floor एंड डैश अक्रॉस द स्ट्रीट इन ऑर्डर टू गो टू टॉयलेट। तो मतलब देख रहे हैं आप लोग, टॉयलेट जाने के लिए -40 degrees Celsius में 4 मंजिल को आपको क्रॉस करना है और अपनी स्ट्रीट को भी क्रॉस करना है और फिर आप टॉयलेट जा सकते हैं, इतने बुरे हाल थे। एंड एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड एंड अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स एंड पीजेंट टू एंटर यूनिवर्सिटीज़। तो स्कूल सिस्टम की भाई, वर्कर्स जो कि स्कूल नहीं जा पाए हैं वो एक्सटेंडेड स्कूल की, अब आप काम करने के बाद स्कूल में पढ़ाई भी कर सकते हैं। क्रेश वर एस्टैब्लिश इन फैक्ट्रीज फॉर चिल्ड्रन ऑफ वुमेन वर्कर्स। देखिए क्रेशेस क्या होते हैं, जैसे कि कोई लेडी है वो जॉब वर्किंग है, वो काम कर रही है, उनका 1-2 साल का बच्चा है तो उसको कहाँ छोड़ के जाएंगे, तो क्रचेस फैक्ट्रीज के पास ही क्रचेस जहाँ पर बच्चों की देखभाल की जा सकती है, इस तरीके के क्रचेस बना दिए गए थे। क्रचेस होते हैं जहाँ पर बच्चों की देखभाल करी जा सकती है, छोटे बच्चों की, वही क्रचेस होते हैं। और फिर आगे इसमें है, चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड, सस्ती हेल्थ केयर प्रोवाइड करी गई। मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स वर सेटअप
फॉर वर्कर्स. द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वॉज अनइवन दो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड. तो जैसे कि पहले लोग बुरे कंडीशंस में रह रहे थे काफ़ी ज़्यादा, तो कुछ इस तरीके से क्वार्टर्स बनाए गए तो आइडियल हो कि अच्छी वर्किंग अच्छी लिविंग रहने की जगह वर्कर्स को दी जा रही है. बट बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाया काम, क्योंकि क्या होता है ना कि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं ना, गवर्नमेंट के पास लिमिटेड ही तो पैसा होता है. अभी देखिए, चिल्ड्रन इन द स्कूल ऑफ सोवियत रशिया, बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर. चिल्ड्रन इन द मैग्नीटोगोग ड्यूरिंग द 5-year plan, बच्चे भी काम करते थे उस टाइम पर. तो बहुत ज़्यादा फैक्ट्री डाइनिंग हॉल, फैक्ट्री में किस तरीके से लोग बैठ करके खाना खा रहे हैं. तो ये देखिए, स्टालिनिज्म एंड द कलेक्टिवाइजेशन. तो लेनिन का हम लोगों ने देखा था, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन कॉल लेकर के आए थे. रशियन रिवॉल्यूशन मेनली लेनिन जो है लेकर के आए थे. अब लेनिन चले गए, आ गए स्टालिन. अब स्टालिन को देखते हैं, इन्होंने भी काफ़ी गजबी काम करे हैं. तो देखिए, द पीरियड ऑफ अर्ली प्लांट इकोनॉमी वॉज लिंक्ड टू द डिजास्टर ऑफ कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. डिजास्टर आया, डिजास्टर मतलब बहुत ही खराब सिचुएशन आ गई थी. 1927-28 द टाउन्स ऑफ सोवियत रशिया वर फेसिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाईज. तो काफ़ी सारे जो रशियन टाउन्स थे, शहरों में ग्रेन की, अनाज की काफ़ी दिक्कतें होने लगी थी 1927 के टाइम पर. गवर्नमेंट फिक्स प्राइसेस एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड. तो गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स कर दी कि इससे ज़्यादा इससे कम आप लोग नहीं बेचेंगे. बट द पीजेंट रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन टू गवर्नमेंट बायर्स एट दिस प्राइस. तो जो गवर्नमेंट ने सेट किए थे प्राइस, किसानों ने मना कर दिया कि हम इस कीमत पे जो है नहीं बेचेंगे. स्टालिन हु हेडेड द पार्टी आफ्टर डेथ ऑफ लेनिन, लेनिन की डेथ हो गई थी, लेनिन के बाद आए स्टालिन, इंट्रोड्यूस फिम एमरजेंसी मेजर्स. तो लेनिन की डेथ हो गई, उसके बाद स्टालिन आए, क्योंकि क्या हुआ, हम लोगों ने अभी देखा कि पीजेंट्स ने मना कर दिया कि हम लोग जो है अनाज नहीं बेचेंगे अपना, जो प्राइस गवर्नमेंट ने सेट किए हैं उस पर. तो इमरजेंसी कंडीशन सी आ गई थी. तो स्टालिन ने कहा, ही बिलीव दैट द रिच पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स इन द कंट्री साइड वर होल्डिंग स्टॉक इन द होप फॉर हायर प्राइजेस. स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाईज कॉन्फिस्केटेड. तो स्टालिन को लगा कि जो अमीर किसान है ना, वो क्या कर रहे हैं, वो अपना कर रहे हैं, अनाज को रोक करके रख रहे हैं ताकि प्राइस बढ़ाए जा सके. तो ये बात फैल गई थी, तो ये किया गया कि उन लोगों से अनाज, सारा किसानों से अनाज छीन लिया गया. इन 1928 पार्टी मेंबर्स टॉर्चर्ड द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज टूर्ड टॉर्चर्ड नहीं सॉरी 1928 में पार्टी के लोगों ने टूर किया, गए ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज में जहाँ पर अनाज उगता था. सुपरवाइजिंग एनफोर्स्ड ग्रेन कलेक्शंस एंड रेडिंग कुलक्स द नेम फॉर वेल टू डू पीजेंट्स. तो कुलक्स जो थे वहाँ पर, कुल्क्स कह सकते हैं आप, रशियन वर्ड है जो कहना है कहिए, प्रोनाउंसिएशन इसकी पता नहीं क्या ही होगी क्योंकि इंग्लिश वर्ड नहीं है, ना ही हमारी हिंदी का है. तो देखिए, इसमें क्या हुआ कि उस समय पर, क्योंकि ग्रेन की बड़ी दिक्कत हो गई थी, जिस प्राइस पे सरकार कह रही थी उस पर किसान बेचने को तैयार नहीं थे, तो वहाँ पार्टी के लोग गए और वहाँ पे जहाँ पर अनाज उगता है ना, ऐसे गाँव में वो लोग गए और देखने लगे कि क्या चल रहा है. और जो बहुत ही अच्छे कुल्क्स थे, वेल टू डू पीजेंट्स थे, उनके घर जाकर के रेड मारी जाने लगी. एज जो शॉर्टेजेस थी, कमी कंटिन्यूड रही अनाज की, द डिसीजन वॉज टेकन टू कलेक्टिवाइज फार्म्स. तो ये डिसीजन लिया गया कि अब कलेक्टिव फार्म्स होंगे, कि सब लोग एक ही खेत पे काम करेंगे. इट वॉज आर्ग्यूड दैट द ग्रेन शॉर्टेज वर पार्टली ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स. तो ये कहा गया कि ग्रेन की कमी इसलिए है क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे लैंड है सबके पास, तो उपज ज़्यादा नहीं हो पाती है. हम लोग को पता है कि जितना बड़ा ज़्यादा लैंड होगा उतनी ही ज़्यादा उपज होती है. After 1917, land had been given over to peasants. 1917 के बाद लैंड जो है पीजेंट्स को दे दिया गया था. स्मॉल साइड पीजेंट फार्म्स कुड नॉट बी मॉडर्नाइज. तो छोटे छोटे फार्म्स दिए गए थे पीजेंट्स को, बट उनको मॉडर्नाइज नहीं किया जा सकता. ट्रैक्टर ज़्यादा छोटे लैंड पे नहीं चला सकते हैं. तो टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स एंड रन देम अलॉन्ग इंडस्ट्रियल लाइन्स विद मशीनरी, इट वॉज नेसेसरी टू एलिमिनेट कुलक्स, टेक अवे लैंड फ्रॉम पीजेंट्स एंड एस्टैब्लिश स्टेट कंट्रोल्ड लार्ज फार्म्स. तो क्या किया गया, जो पहले फार्म्स बांटे गए थे ना, उन सबको वापस ले लिया गया, कहा कि यह सारा का सारा सरकार का लैंड है और इस पर ही काम किया जाएगा. वट फॉलोड वॉज स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम. अब स्टालिन का ये कलेक्टिवाइजेशन का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया. फ्रॉम 1929 द पार्टी फोर्स्ड ऑल पीजेंट टू कल्टिवेट इन कलेक्टिव फार्म्स. पार्टी ने फोर्स किया सारे के सारे पीजेंट्स को कि कलेक्टिव फार्म में वो खेती करेंगे. द बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंटेशन वर ट्रांसफर टू द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म्स. तो बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रांसफर कर दी गई कि भाई सारे के सारे लोग इसी फार्म पे काम करेंगे. पीजेंट वर्क्स ऑन लैंड, पीजेंट्स ने ज़मीन पर काम करना शुरू करा. एंड द कोलखोज प्रॉफिट वॉज शेयर्ड, और जो प्रॉफिट था वो शेयर किया गया. एनरेज्ड पीजेंट रजिस्टर्ड द अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रॉयड देयर लाइफ स्टॉक
बिटवीन 1929-31 द नंबर ऑफ कैटल फेल बाय 1/3। तो पीजेंट्स को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगी कि उनसे लैंड लिया जा रहा है, फिर उन्हें अपने लैंड पर काम करना पड़ रहा है बट अब वो उनका नहीं है। तो इससे गुस्सा आ करके लोगों ने अपने ही कैटल्स को, अपने जानवरों को मारना शुरू कर दिया, और जो कैटल्स की संख्या थी मतलब गाय भैंस भेड़ बकरी ये लगभग 1/3 से भी कम हो गई पहले के। तो मतलब पीजेंट्स को इतना गुस्सा आने लगा कि उन्होंने अपने ही जानवरों को मारना शुरू कर दिया। दोज हु रेजिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन वर सीवियरली पनिश्ड। जो लोग कहते थे कि हम लोग इन कलेक्टिव लैंड्स पर, जो सरकार हमें ज़मीन दे रही है इस पर हमें ज़बरदस्ती काम करना पड़ रहा है, हमारी ज़मीन लेकर के इस पर हम काम नहीं करेंगे, ऐसा कहने वाले किसान जो थे ना, जो कहते थे कि हम इस सरकारी ज़मीन पर काम नहीं करेंगे और हमारी ज़मीन क्यों ली जा रही है, उनको बहुत ही बुरी तरीके से पनिश किया जा रहा था। मैनी वर डिपोर्टेड एंड एक्साइल्ड, कई सारे लोगों को वहाँ से भेज दिया गया, जेलों में डाल दिया गया। एज द रजिस्टर्ड कलेक्टिवाइजेशन पीजेंट आर्ग्यूड दैट दे वर नॉट रिच एंड दे वर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म। पीजेंट मतलब कहते थे कि हम वो रिच भी नहीं है, हम लोग सोशलिज्म के अगेंस्ट भी नहीं है, बट ये क्या चल रहा है, हमसे ज़बरदस्ती ऐसी जगह काम करवाया जा रहा है, मतलब हमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, इस तरीके की बातें पीजेंट्स कहा करते थे। दे मेरली डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क इन कलेक्टिव फार्म्स फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन्स। क्यों नहीं काम करना चाहते थे वो लोग फिर। स्टेलन गवर्नमेंट अलाउड सम इंडिपेंडेंट कल्टिवेशन बट ट्रीटेड सच कल्टिवेटर्स अनसिम्पैथेटिकली। तो सिंपैथी नहीं रखता था स्टेलन। क्या हुआ कि पीजेंट्स ने मना कर दिया कि हम कलेक्टिव लैंड्स पे काम नहीं करेंगे। तो फिर स्टालिन की गवर्नमेंट ने कहा अच्छा चलो ठीक है तुम मत करो, तुम अपने प्लॉट्स पे काम कर लो, बट उनके साथ अच्छा सिंपैथी वाला व्यवहार नहीं किया जाता था। इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज, प्रोडक्शन एकदम से तो नहीं बढ़ा। इन फैक्ट काफ़ी बुरी हार्वेस्ट आई 1930 और 1933 में, लेड टू वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमींस। फेमींस का होता है मतलब होता है भुखमरी। भुखमरी आ गई थी सोवियत हिस्ट्री में जिसमें 4 मिलियन 40 लाख लोग मर गए थे उस टाइम पर रशिया में, जो कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम था ना स्टालिन का, इसकी वजह से इतनी भुखमरी आई थी क्योंकि लोगों ने काम करना बंद कर दिया था, लोगों को पसंद ही नहीं आ रही थी ये टेक्निक, रीजन से मना कर दिया हम काम नहीं करेंगे, तो लगभग 40 लाख लोग भूखे मर गए थे इसकी वजह से, कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम की वजह से। मैनी विद इन द पार्टी क्रिटिसाइज द कन्फ्यूजन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अंडर द प्लांट इकोनॉमी एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कलेक्टिवाइजेशन। काफ़ी सारे लोग जो पार्टी में ही थे, बोल्शेविक पार्टी में ही, जो प्लांट इकोनॉमी थी कि प्लानिंग क्या चल रही है, फैक्ट्रीज में कन्फ्यूजन होता था और कलेक्टिवाइजेशन लैंड पे सब लोग मिलकर के काम करेंगे, ये वाली चीज़ बहुत सारे लोगों को पार्टी में ही पसंद नहीं आ रही थी। स्टालिन और उसके सिंपथाइजर्स जो थे ना, चार्ज दीज क्रिटिक्स विद कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म। तो जो इस